बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, शालीमार के इलाके में एक इंतहाई खौफनाक कत्ल का वाकया पेश आता है। शोहर अपनी बीवी को पहले कत्ल करता है, उसका सांस बंद करके, फिर उसके बाद ये कत्ल छुपाने के लिए उसकी लाश को और उस कमरे में जहाँ पर लाश पड़ी होती है आग लगा देता है और उसके बाद वहाँ से फरार हो जाता है। काफ़ी अरसा तक वो पुलिस को इस बारे में चकमा देने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर लगे नाखूनों के निशानों से किस तरह पुलिस ने इस केस की तफ्तीश करके उसे गुनहगार साबित किया, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। मियाँ बीवी जो एक दूसरे के दुख दर्द के साथी होते हैं, मुश्किल वक्त में एक दूसरे की ढाल बनते हैं, लेकिन क्या हमारे मुआशरे में इस मुकद्दस रिश्ते की अहमियत सिर्फ कागजी कार्रवाई और गवाहान तक ही महदूद रह चुकी? इस अफसोसनाक वाकये के बाद एक सवाल जो हर शख्स के जहन में होगा कि क्यों मजाजी खुदा ने अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया? आखिर शोहर ने किस गलती की पादाश्त में बीवी का गला घूंट कर से जान से मारा और फिर लाश को आग लगा दी? मुलजिम शोहर ने सजा से बचने के लिए कैसे बीवी के घर वालों और पुलिस को धोखा दिया? जाए वकुआ के मनाजिर ने किस तरह शोहर के ढोंग और गलत बयानी का पर्दा चाक किया? पुलिस ने शॉर्ट सर्किट के ड्रामे को कैसे किया बेनकाब? होश उड़ाने वाली है आज की ये लर्जा खेज दास्तान। हम इस वक्त मौजूद है सजाद ऋषि साहब के पास, जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना मजंग के। ये वकुआ थाना शालीमार की हदूद में होता है, वहाँ पे ये मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन इनके पास एक तो इनकी काबिलियत और फिर ये चूँकि इंस्पेक्टर हैं, तो इसलिए ये केस थाना शालीमार से थाना मजंग में सजाद ऋषि साहब के पास मुंतकिल हुआ और फिर यहाँ पे इन्होंने सारी तफ्तीश की, मुलजिम को गिरफ़्तार किया और तमाम जो शवाहद है वो इकट्ठे किया। सजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थाना शालीमार में वकुआ होता है, वहाँ सब इंस्पेक्टर हैं जो इंचार्ज हैं, लेकिन केस कि नोयत ऐसी है, इतना संगीन जुर्म है कि वो आपके पास ये केस आ गया, क्योंकि ये जो खातून है ये इसकी बीवी, एक तो इसका कत्ल है और इसके पेट में 4 माह का बच्चा, ये उसका भी कत्ल है, तो हम कह सकते हैं ये डबल मर्डर है, क्योंकि वो हामला थी। सजा सब क्या केस है, ये वकुआ किस तरह से रिपोर्ट होता है जब आप पहली दफ़ा वहाँ पर जाते हैं, पुलिस पहुँचती है, तो क्या सूरत हाल थी उस घर की? सूरत हाल उस घर की तो यही नज़र आ रही थी कि शायद पता नहीं कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया या क्या हो गया, किस तरह आग लगी है, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि ये सारा काम इसके जो हस्बैंड है अलादिता और फहद, इसने ही किया है। ठीक है। और उस कमरे में आग लगी हुई थी जहाँ पे मकतूला मौजूद थी या पूरा घर जला हुआ था? नहीं, उस कमरे में, उसी कमरे में आग लगी, जहाँ मकतूला थी उस कमरे में आग लगी हुई थी। तो जब हमने देखा उधर, सारा मौका मुलाजा किया और देखने के बाद पता चला कि ये जो आग लगाई गई है, क्योंकि दरवाज़ा जो सड़ गया था, वो दरवाज़ा की नज़र आ रहा है कि वो दरवाज़ा बंद था। ठीक है। उसकी एक चीज़ जो इसको क्या कहते हैं, जो होती है चगाट, ठीक है, वो कब्ज़े, वो कब्ज़े खुले हुए नहीं थे, बंद हुए थे, बंद थे, उससे पता चलता कि ये दरवाज़ा बंद करके गया है कोई आदमी, आग बंद कमरे में लगी है। ठीक है। एक तो ये थी एक वजह, तो और शॉर्ट सर्किट का भी आपको कोई निशान नहीं मिला होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। और क्योंकि उधर फराजन की लैब की गाड़ियाँ आई थी ठोकर की, और हमारे जो सीन क्राइम सीन वाले वो भी गए थे, वो भी देख रहे थे कि ऐसी कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट वगैरह कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं। बिल्कुल ठीक है। हमें पता इसका चला कि जब हमने इसको फहद को अरेस्ट किया तो इससे बात की, अपना इसके जो फात अल्लाह देता था उसे बात की, तो उसके चेहरे पर 2 निशान थे नाखूनों के, मुलजम के चेहरे पर 2 निशान नाखूनों के थे। मैंने उसे कहा कि ये आपके कोई झगड़ा हुआ है बीवी के साथ, ये निशान उसके हैं। वो कहता है कि नहीं, ये ब्लेक ब्लेड के निशान है, मैं शेव कर रहा था, शेव करते हुए ब्लेड के निशान है, लेकिन निशान वो नाखूनों के, वो नाखूनों के निशान, यहाँ से वो मशकूक हो गया, मशकूक हो गया। कि हमें भी पता चला, हमने उधर इलाके से भी पता किया कि इनके थोड़े से मसाइल घर में चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा वगैरह चल रहा था इनका। आखिर क्यों मियां और बीवी में चलने वाली इस लड़ाई ने 2 जिंदगियों का चराग गुल कर दिया? कत्ल की इस बेहमाना साजिश के पीछे क्या वजह थी? मकतूला की मां ने बेटी और दामाद की अज़वाजी जिंदगी के बारे में किए कौन से तहलका खेज इंकशाफात? मेरे साथ
इस मकतूला की वालिदा मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं, ये हमें बताएंगे कि असल मामला क्या है। पुलिस की तफ्तीश हमने आपके सामने रख दी, ये तनाज़ा कब से चला आ रहा था, पहले तो ये रिश्ता किस तरह से तय होता है, एक शख्स जो पहले से शादीशुदा है, उम्र में भी बड़ा है और कोई जानने वाला नहीं है, वो ना अजीज़दारी है उसके साथ कोई। माँ जी अल्लाह आपको सब्र दे, हौसला दे, आपकी माशाल्लाह और भी बेटियाँ हैं, बेटियाँ तो सभी एक जैसी होती हैं, तो अब जवानी में आपकी बेटी को मौत का सामना करना पड़ा और बड़े ही बेरहमाना तरीके से कत्ल किया गया है। सबसे पहले मुझे बताएं कितनी आपकी बेटियाँ हैं, कितने बच्चे हैं, ये जो आपकी बेटी मैमूना है इसका कौन सा नंबर था? ये चौथे नंबर पे थी। चौथे नंबर पर थी ये, ठीक है, बाकी सब की शादीशुदी कर दी आपने? हाँ, एक सबसे छोटी बेटी और बेटे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो मुल्ज़िम है ये आपका कोई अजीज तो नहीं है, ना कोई जानने वाला है? बिल्कुल नहीं। कहाँ से आपको मिल गया, किससे पहले मुलाकात हुई, क्या मामला था, किस तरह आगे बढ़े? मेरी बेटी को तो खबर भी नहीं थी इस बात की। ठीक है, जब इसने हमें बात चलाई तो बेटी ने तफ्तीश की तो पता चला कि इसने मुझे फलां जगह पे नात खां होते हुए देख लिया। बेटी आपकी नात खां थी? हाँ जी। ठीक है, किसी महफिल में देखा इसने? हाँ जी, महफिल में पसंद किया। हाँ जी, उसके बाद उसने जायचा निकाला, प्रपोज करना शुरू कर दिया। प्रपोज करना शुरू कर दिया, बिल्कुल। बाकायदा रिश्ता भेजा घर पे या आपकी बेटी को इसने पहले प्रपोज किया? नहीं, पहले रिश्ता भेजा इसने, रिश्ता भेजा पहले, फिर इसने फ़ोन पे रास्ते करना शुरू कर दिए, कहीं से नंबर भी दोस्त बच्चे की दोस्त से ले लिया। ठीक है, फिर फ़ोन पे रास्ते करने शुरू कर दिए और मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, तुम्हारा और मेल होता ही नहीं, मेरी माँ को ना तंग करो ना मुझे तंग करो। पर ये ना रुका, इसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैंने तुम्हें हासिल करना ही करना है, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा आपके दरवाजे के सामने अगर तुम मुझे नहीं मिली तो। इसने अपने फैमिली को लाए, सब फैमिली वगैरह आई, इसकी बीवी ने भी हमारे फ़ोन पे बात की कि मेरा मियाँ खुश जैसे होता है आप वैसे ही करें, मेरी तरफ से इजाज़त है, फ़ोन पे हुई थी बात। फिर हमने कहा तुम्हारा घर नहीं है, तो उसने कहा कि मैं इधर घर लेके दूंगा, अभी मैंने रिश्ता दिया ही नहीं था तो उसने घर ले दिया। रिश्ता निकाह होने से पहले ही आपकी बेटी को घर लेकर दे दिया, उसके नाम की हामी भरने से पहले। ठीक है, रिश्ते की हमें हामी भी नहीं भरी मैंने कि मैं दे रही हूँ तुझे रिश्ता, तो इसने घर मतलब खरीद के दे दिया, यहाँ तक नाम कर दिया आपकी बेटी, बेटी के नाम करके कागजात पकड़ा दिए मेरे हाथ में। ठीक है, क्या इस वजह से आपने रिश्ता कर दिया कि चले अब घर आ गया है और बेटी का मुस्तकबिल अब सिक्योर्ड है तो हम रिश्ता कर देते हैं, क्योंकि आपको पता था कि ये शादीशुदा है, इसके पहले भी कुछ चार बच्चे हैं और वो बड़े बड़े हैं और इसका उम्र का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क था? बिल्कुल। किस वजह से आपने रिश्ता दिया? बस इसी बुनियाद से कर दिया कि खाना पीना तो खिलाएगा, घर भी अल्लाह ने इसके वसीले से दे दिया है। ठीक है, चलो ठीक है, जो जिंदगी है गुजर जाएगी, अच्छी गुजरेगी। बेटी आपकी राजी थी? बेटी को बाद में ये जब घर दिया तब राजी हो गई। मकतूला की मां के बयान के मुताबिक मैमूना चार बच्चों के बाप के साथ मकान के लालच में शादी के लिए रजामंद हुई और इसी बिना पर ही उसे तमाम घर वालों की हिमायत हासिल थी। आखिर मकान का इस दर्दनाक कत्ल से क्या ताल्लुक था? ढाई मरले के घर ने मैमूना और उसके शोहर अल्लाह दित्ता की शादीशुदा जिंदगी पर क्या असर डाला? क्या मकान का लालच ही बीवी के कत्ल की वजह बना? क्या है इस पर तफ्ती अफसर का मौकिफ? जब इसने मकान लेकर दिया तो उसके बाद फिर शादी की, शादी के बाद इसने कहा कि ये मेरे से गलती होगी कि मैंने इसके नाम जो मकान लगा दिया ये गलत किया। यानी आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि शादी के बाद उसकी नीयत बदल गई, तब उसने शादी करने के लिए चूंकि डिमांड थी कि घर लेके दे उसके बाद मैंने शादी होगी, वो डिमांड पूरी की, उसके बाद उसकी नीयत खराब हो गई, मैं वापस ले लूं, वापस ले लूं। और इसने ऐसा 6 माह पहले यह भी है कि मुख्तलिफ बहाने से ये आज मीटर लगा रहे हैं, बिजली का बिल सही करा रहा हूँ, सुई गैस का बिल सही करा रहा हूँ, अंगूठे वगैरह लगा लिए, बीवी के अंगूठे लगवाता लगाकर वो स्टाम्प फ्रोश से उसने मिलकर वो रजिस्ट्री अपने नाम करवा दी है। अच्छा, बीवी को पता ही नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है वो? नहीं, पढ़ी लिखी है लेकिन उसको गौर नहीं किया, उसने ये स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगा दिया, ब्लैंक स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगा दिया, मीटर ठीक करना है, झूठ बोल के हाँ जी जी अंगूठे लगवाता रहा, अंगूठे लगवाता रहा। नाम फिर इसके मकान इसके नाम पे आ गया था, मकान 6 माह पहले बीवी को नहीं पता था, बीवी को नहीं पता था। बीवी को एक दिन पहले एक स्टाम्प फ्रोश ने फोन करके
अपना बताया कि आपका मकान जो है वो उसने अल्लाह तआला ने अपने नाम पर लगा दिया। उसने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा। जैसे हमारे पास है, मेरी वालदा के पास है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो इसको छोड़ूंगी नहीं। अच्छा। हाँ, ये ऐसे ऐसे नहीं कर सकता ये, क्योंकि अपने शोहर को मारने की धमकी दी उसने। उसने धमकी नहीं दी, वैसे उसने कहा कि ऐसे मैं इसको पूछूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। जब ऐसे जो जब सामने आता है तो उससे पूछती है, वो क्या बताता है? सामने आने से इसने मिये को इसने नहीं बताया। दूसरे दिन 12 बजे उसने इसको बताना था, सारा वगैरह सारे प्रूफ वगैरह देने थे रजिस्ट्री के, लेकिन 12 बजे से पहले ही ये काम हो गया। किसने बताना था ये प्रूफ? किसने देने थे? सजा साहब, मियाँ को क्या पता चल गया था कि बीवी को असल कहानी पता चल गई? यस यस। मियाँ को किसने बताया? मियाँ ने शायद इसका फ़ोन सुन लिया है, शायद बाहर खड़े को बात सुन ली है, इस तरह इसको यहाँ इसका फ़ोन रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्डिंग से को पता चल गया है इसका। इसको पता चल गया था कि आज 12 बजे मेरा ये सारा जो खुल जाना है, राज खुल जाना है। ठीक है। तो इसने बहाना बनाकर उससे लड़ाई की। लड़ाई करने के बाद जब उसने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा, किसने? इसकी बीवी ने, ममूना ने। है तो ये कहता कि मैंने उसे धक्का दिया, बेड पर वो गिर गई, मैंने उसका सांस बंद कर दिया। सांस बंद करने के बाद देखा वो जब मर गई है, तो मैंने देखा कि ये सारा सामान जो मैंने बनाया था, जो लकड़ी का सामान बनाया था घर में, लकड़ी का अलमारी वगैरह, ये सारा कुछ, तो ये तो मैंने इसके लिए किया था। ये नहीं रही तो इसका क्या फ़ायदा? कहता मैंने माचिस की तीली पकड़ी है, पहले अलमारी के जो थे कपड़े वगैरह उनको आग लगाई है, बाकी जो इसका सामान पड़ा हुआ था उधर ब्यूटिशियन का उसको आग लगाई है ड्रेसर पर, और इसको बेड को बेड शीट पर जो बेड शीट और गद्दा था उसको मैंने माचिस से तीली लगाई। लाश बेड पर थी? लाश बेड पर थी, ये कहता है बेड पर थी, लेकिन बेड से नीचे गिरी हुई थी। सवाल ये है, क्या मुलजिम ये सारा मंसूबा कत्ल से कुछ दिन पहले ही बना चुका था? मुलजिम ने जिस मकारी से मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करवाई थी, क्या वैसे ही धोखा दही का सहारा लेकर मुलजिम ने अपनी बीवी को भी मौत की नींद सुलाया? आपको क्या लगता है, आखिरी बात बताइएगा मुझे, ये इसने उस दिन ही ये कत्ल किया या इसने को पहले से ये सारा मंसूबा बनाया हुआ था? इसने बनाया हुआ था, ये सोच रहा था कि इसको नहीं पता चलेगा मैं घर भेज दूंगा। जब इसका मंसूबा ये कामयाब नहीं हुआ तो मुन्ना तक खबर पहुंच गई, क्योंकि जिस अंदाज में कत्ल किया है, फिर उस कत्ल को उसके निशान मिटाने के लिए उसने जिस तरह से आग लगाई है, इसका मतलब तो ये है कि इसने ये पहले से मंसूबा किया हुआ था। किया हुआ था तो उसको नॉर्मल रखा, उसके साथ सैर वगैरह करने के लिए ये 10 दिन हुए थे, 15 दिन हुए थे, इसको घुमाने रोज़ाना रात को ले जाता था, और वो बहुत खुश थी कि मेरा बहुत ख्याल रख रहा है। क्या इस पूरे वकुए को एक मुलजिम ने अंजाम दिया था? क्या मुलजिम के भाई को भी मकान की फरोख से कोई माली फायदा हासिल होना था? मकतूला का भाई और इस मुकदमे में मुदई किन लोगों को मजीद इस पूरी वारदात में शामिल तफ्तीश समझता है? आप क्या समझते हैं, अकेला यही है या इसमें कोई और भी मुलव्वस है, इसकी बीवी या इसका कोई भाई, या अकेले ने ये तन्हा किया? ये सब किया तो इसने तन्हाइया, लेकिन इसके साथ अगर कोई रابطे में है इस वाक्य को रंग बनाने के लिए या इसको कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए कि ये वाक्या करो, तो वो तो ये शक तो हमें है। किस पे? इसके ख़ानदान पर। क्यों कहेंगे वो? क्योंकि इसके जो भाई हैं ना, वो इसको जो प्रॉपर्टी नाम हुई है उसमें बतौर गवाह मौजूद है, हमारी तरफ से भी वो गवाही उसके भाई की है, उसकी तरफ से भी। ऐसे तो नहीं होता, मैं किसी के साथ कोई सौदा करता हूँ ना, तो मेरा गवाह होता है और दूसरी तरफ से खरीदने वाला जो होता है उसका भी गवाह होता है, दोनों तरफ से ही उसी के भाई हैं। इसका अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इसका मतलब है वो शुरू से ही इस मामले में इसके साथ थे। इस कत्ल की मंसूबा बंदी पर आपने मुदई की गुफ्तगू सुनी। क्या पुलिस ने भी अपनी तहकीकात में मुलजिम अल्लादित्ता के अलावा किसी और शख्स को भी वकूए में नामजद किया? मुदई ये कह रहे हैं कि उन्हें शक है, या वो कहते हैं कि हो सकता है कि इसके भाई, वो लोग जब ये प्रॉपर्टी का मामला चल रहा था लेन देन का, तो वो बतौर गवाहान शामिल हुए थे, दोनों
तरफ से एक ही गवाहान थे, तो वो भी कोई इसमें मुलविस हो सकते हैं? इस एंगल से भी आप लोग तफ्तीश कर रहे हैं, मुदई ये सोच रहे हैं? चलिए, वो तो चूंकि प्रॉपर्टी का एक डिस्प्यूट डिफरेंट है, हमारा तो बेसिक कत्ल में आप समझते हैं कि इसमें कोई और मुलविस नहीं, इसमें और हमें प्लानिंग में, हाँ, इसे हमें फिलहाल ऐसे कोई एविडेंस भी नहीं मिले या हमें कोई ऐसा शवाहद भी नहीं मिले या किसी की प्रेजेंस भी नहीं मिली, लेकिन यह है कि हम उसको फर्दर भी देख रहे हैं क्योंकि हर एंगल से इसको कवर करना है और चेन ऑफ इवेंट्स को जो है वो हमने फाइनलाइज करना है। पुलिस और मुदई के बयान के मुताबिक कत्ल की एक ही वजह मंजरे आम पर आती है और वो है ढाई मरले का घर। लेकिन क्या मुलजिम अल्लादित्ता के पास कत्ल की कोई और भी ठोस वजह थी जो कि मुदई की जानिब से टीम मुजरिम कौन से छुपाई गई थी? मुलजिम इस केस से जुड़े किन सवालात को मंजरे आम पर लाया? अल्लादित्ता, शादी कब हुई थी तुम्हारी मेमूना के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको, अच्छा जो शादी मेरी हुई है ना, जे मेरी हुई है 2018 में। 2018 में मुलाकात पहले इससे कब हुई थी? जिस सितंबर में शादी हुई थी, 8 सितंबर को शादी थी, 9 सितंबर को मेरा वलीमा था ये एमएम आलम रोड पे हाईटी प्लस। इससे पहले तुम्हारी मुलाकात कब हुई थी? मेरी दुकान पे एक वर्कर काम करता था, हाफिज नाम था उसका, उसने ना मुझे नंबर दिया था, मैं वैसे उसने बात करवाई थी एक दफ़ा, ये बात है 2015-14 अक्टूबर की बात है, मुझे डेट याद है। जब बात हुई तो उसी रात इसने मेरा नंबर लिया और तकरीबन 6-7 घंटे से मेरी बात होती रही, पूरी रात ही हुई है ये बात। फिर आगे बढ़ती गई सर, के बाद फिर तुमने रिश्ता भेजा इसके घर? जी मैं वही बता रहा हूँ आपको, जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे वो बताओ। उसके बाद फिर रिश्ता भेजा? सर रिश्ता नहीं भेजा, ये ना बेसिक लालची लोग थे, इनका शेवा था दूसरा बंदा ढूंढना, दूसरा शादीशुदा वाला देता, पहले वो बताओ। लालची थे तो ये तुम्हारी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ था, समझदार इंसान हो तुम, तो उस वक्त तुम्हें नहीं पता था लालची है। मुझे ये बताओ कि उसके बाद रिश्ता भेजा, इसके माँ बाप पहले इनकार करते रहे रिश्ते से? नहीं नहीं, ये मान गए थे पहले? नहीं, ऐसी नहीं स्टोरी हुई। क्या हुआ था? सबसे पहले ये मेरे रिलेशन में रही है 2015-21 अक्टूबर से, बिल्कुल कन्फर्म रिलेशन हो गया। इनकी वालदा मुआवजा लेके 20-25 हज़ार रुपया लेती थी एक दिन, और नेक्स्ट डे इनको कहती थी या उसी दिन कहती, चलो आप घंटा दो जो है ना इनके साथ कहीं भी बैठ के बातचीत करो, गपशप लगाओ। उसके बाद इन्होंने 2016 में एक टाइम रखा, ये होटल है, ये फोटो स्टेडियम में आप जानते होंगे, वहाँ पे क्या बात हुई? इन्होंने मुझे कहा कि आप ना वहाँ पे हमें डिनर दें। मैंने कहा ठीक है, वाई नोट, कोई मसला नहीं है। होटल आया तो उसके ना आधे घंटे बाद टेलीफोन पर ये टच थे मेरे साथ, ये आ गए, ये बहनें आई थी, एक इनकी बहन नहीं आई जो स्टेज डांसर है वो नहीं आई थी, इनसे नाराज़गी चाह रही थी, उनका नाम है मून भट्ट, तंजीला आई थी, शकीला आई थी और मेमूना। क्या बात हुई इन सब के दरमियान? सर वही बताने लगा, इनसे बात ये हुई कि आप इनसे शादी करना चाहते हैं? मैंने जी बिल्कुल करना चाहते हैं। मैंने इनको वाजे बता दिया कि मैंने कहा अपनी आपकी बेटी को पहले दिन से पता है मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, ये बात क्लियर होगी। उन्होंने कहा जी आपकी शादी एक सूरत हो सकती है अगर आप लाहौर में अपना मकान लेंगे तो। बड़ी अच्छी बात है, हर वालदैन चाहते हैं। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मुझे टाइम चाहिए इसके लिए। मैंने कहा देखें जी 1-2-3 लाख की बात होती, कोई मसला नहीं था। उसके बाद फिर घर लेकर दिया? वही सर मैं आपसे क्लियर करना नहीं, मुझे बताते जो मैं पूछ रहा हूँ। उसके बाद फिर घर लेकर दिया? सर मैंने टाइम मांग लिया। इसकी वालदा ने फिर एक और शर्त रखी, उसने कहा घर मेरे घर के करीब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वहीं पर लेकर दिया। काफ़ी सर्चिंग के बाद एक घर में पसंद आ गया। फिर मुझे ये बताओ कि अपनी उसकी होने वाली बीवी के नाम पे तुमने पहले से क्यों लगा दिया? सर वही मैं कह रहा हूँ, जब मकान मैंने परचेज़ कर लिया, जिस दिन मैं फ़ाइनल पेमेंट करने जा रहा था ना, वो घर मैंने लिया था 20 से 22 लाख का, ठीक है, तो इन्होंने साथ शर्त रख दी कि अगर आपने मकान लिया है ना, सिर्फ लेना नहीं है, इसको इनका नाम भी करवाना है। नाम भी करवा दिया? तो ये मकान मैं डेट बता देता हूँ आपको, नवंबर 2017 में मैंने इसका बयाना किया था और 2018 फरवरी ने मकान परचेज कर दिया। हाँ जी, उसके मकान नाम कर दिया। हाँ जी, होशो आवाज़ में किया। हाँ जी, या तुम्हारे किसी ने कोई बंदूक कनपट्टी पे रखे तो नहीं करवाया था, अपनी मर्जी से नाम पे करवाया? जी। उसके बाद शादी हो जाती है? नहीं होती ना। शादी कब होती है? वो कॉलेज था वहाँ पर इन्होंने एडमिशन लिया कुकिंग का, वो सारे अखराजात मैंने पे किए यूनिफॉर्म तक, तो उसके बाद इन्हें ड्राइविंग का किया। वहाँ पे एक गुलबाज नाम इंस्पेक्टर था, उससे इसकी अंडरस्टैंडिंग, पुलिस इंस्पेक्टर था, मैं उसको जानता भी हूँ बाई फेस, मैं क्लियर भी करता हूँ। उसके साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई? मैं तो ना पता भी चल गई मुझे सर, पता ऐसे चला कि एक तुम्हें पता चल गई, जिस तरह भी पता चली तुम्हें पता चली सर, मैंने मौके पर पकड़ लिया ना। चलो मौके पर पकड़ लिया, लेकिन उसके बावजूद तुमने उससे शादी की? इसलिए कि मेरी रजिस्ट्री वहाँ पे फंस चुकी थी, वो वापस नहीं आ सकती थी। हाँ, अपने पैसे तुमने निकलवाने थे सर, वो मोहब्बत तो खत्म हो गई थी ना उस वक्त, मोहब्बत सर कुछ नहीं रही। शादी पे क्या भाई ये बता? बोली मैं नेक्स्ट डे, वो कहती हैं कि अभी मैं घर में
थोड़ा सा अलाउन हूँ, अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करूँगी, तो आपने ऐसे करना है कि मुझे ना कुछ रोज़ मामा के घर ही सुबह जाते ड्रॉप कर देना, वापसी पे लेना। अच्छा, मैं उसको सुबह ड्रॉप करता हूँ हसबे ममूल, जैसे मैं दिन में 2-3 दफ़ा फ़ोन करके हाल, मैंने फ़ोन किया फ़ोन बंद जा रहा है। अच्छा, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे। उसके बाद मैंने पूछा जी वो किधर गई हैं, उन्हें कहा जी वो तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट गई हैं। मैंने कहा उनका काम ही कोई नहीं है। मलिमे से अगले दिन? हाँ जी, उससे अगले दिन। फिर क्या हुआ? रात को जब मैंने पूछा, पहले नहीं माने, उसने कहा जी वो मैं गुलबाज से मिलने गई थी। मैंने कहा जी आपसे गुलबाज का क्या तलक है, आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है, पीछे की बातें पीछे आपको छोड़ देनी चाहिए। उसने कहा जी जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं ना वो नहीं मैं छोड़ सकती, ठीक है, तल्लुक मैं रखूंगी रखूंगी। तुम्हें पता चल गया? अच्छा, शादी के बाद भी पता चल गया? हाँ जी। उसके बाद भी तुमने जाहिर शादी चलाई, अल्लाह ने औलाद भी दी, बेटी भी पैदा? सर औलाद नहीं चाहते, मैं बता दूँ, ये बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन आपने किया। कौन नहीं चाहता था? इसके जो वालदैन है ना, इनकी माँ और बहन नहीं चाहते, इन्होंने समझा के भेजा था आपने अजवाजी ज़िंदगी शुरू करनी, लेकिन बच्चा नहीं लेना किसी सूरत भी, बच्चा नहीं पैदा करना। जब तुम्हें ये भी पता था बकौल तुम्हारे कि उसका किरदार ठीक नहीं है, जब वो बच्चा भी नहीं पैदा करना चाहती थी, तुम उसके साथ रह क्यों रहे थे, मुझे ये बताओ, अलग क्यों नहीं हो गए? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट हुई थी, तुमने 20-22 लाख रुपए लगा दिया था, अब तुमने वो वापस? सर 20-22 नहीं लगा था ना, जितना भी लगा था, काम इसका 35-40 जितना मकान पे। तुम्हें जब पता था कि वो इस किरदार की मालिक है, तुम उसके साथ क्यों निभा कर रहे थे? सर जब इंसान फंस जाता है उसकी मजबूरी होती है। क्या गए थे तुम? तुम्हारे पास इख्तियार था, तुम तलाक ले दे देते उसे? सर आपकी जो इन्वेस्टमेंट से वापस नहीं आनी थी, जो आप जल्दी कर लेते, क्योंकि मेरी रजिस्ट्री उसकी मामा की, उससे बड़ी मोहब्बत थी सर मुझे, थी ना उसे नहीं थी। शादीशुदा हो तुमने उसके बावजूद शादी भी की, मोहब्बतों में इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती होती सर। देखें उनकी फैमिली की डिमांड पे हुआ ना, वापस लाने का यही तरीका था कि उसे कत्ल कर दो, उसे जान से मार दो, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट वापस आ जानी थी सर। आगे तुम्हारी अब इन्वेस्टमेंट वापस आ गई सर, जो प्लानिंग तुमने की, तुमने बड़े बड़े तरीके से चलाकी से होशियारी से अंगूठे उसे लगवाते रहे, वो मकान उसे पता ही नहीं चला, वो तुमने अपने नाम पे कर लिया। उसके बाद फिर जो भी उस दिन हुआ, तुमने उसे कत्ल किया, उसके बाद आग लगाने की कोशिश की और आग लगाई, झुलस गई, इसलिए कि तुमने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तुम्हारा वो पैसा किसी तरह वापस आ जाएगा, मकान तो तुम्हारे पास नाम आ गया था वापस, वो इन्वेस्टमेंट वापस आ गया। सर आगे सुने ना, यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद क्या होता है? स्टोरी वैसे ख़त्म हो चुकी हुई, मर गई है, मर गई है, तुम्हारा बच्चा भी था वो भी मर गया। सर बात सुन लेना, मुझे सारा पता है। अभी तुम कह रहे हो स्टोरी खत्म नहीं है, उस दिन क्या हुआ था वो ही बता रहा हूँ। बच्ची को लेकर मैं बाहर जाता हूँ, साथ ही शैलर चौक है हमारे, 5 मिनट लग जाते होंगे, वहाँ पे गया हूँ बच्ची को खिलाने पिलाने के लिए, पर्स मैं घर भूल जाता हूँ, मैं जाके देखता हूँ, मेरे पॉकेट में थोड़े से पैसे होते हैं, उनको 70-80 जितने, उनकी चीज़ें लेकर मैं बच्ची को देता हूँ, वापस आता हूँ बाहर से, वहाँ जब मैं जाने लगता मुझे कहते हैं कि आप बाहर से छोटा दरवाज़ा लॉक कर दें, अंदर से मैं कुंडी लगा लेती हूँ, 1 बजे तक बच्ची आपने छोड़ देनी है, जब 1 बजे आप बच्ची छोड़ देंगे उसके बाद मैं पॉलर चले जाऊँगा। कितने बजे वापस आते हो? सब मेरा पर्स घर रह जाता है तो मैं तकरीबन आधे घंटे के अंदर वापस आता हूँ, बाहर से छोटा दरवाज़ा खोलता हूँ, अंदर से कुंडी लगी होती है, जब अंदर से कुंडी लगी होती है तो मैं उसको दस्तक देता हूँ, 2 मिनट तक दरवाज़ा नहीं खुलता तो इतने में एक बंदा कमरे के अंदर से निकलता है, उसने मास्क पहना होता है और घर के अंदर से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं, वो सीढ़ियों के रास्ते फरार होता है, पीछे ये जाता है। तुमने उसे पकड़ा क्यों? सर दरवाज़ा बाहर वाला बंद, मैं कैसे अंदर जाता? बाहर वाला कौन सा दरवाज़ा बंद? सर मेन दरवाज़ा बार मेन दरवाजा है, मेरे घर के सेंटर से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर छत को जाती हैं। छत पे गया? छत से कहाँ पे गया? मुझे तो नहीं पता किधर गया, वहाँ से 3-4 घर। तुम्हारा घर है, तुम्हें ये नहीं पता कि मेरी छत के साथ कोई दूसरी छत है, तुमने उसे चेज क्यों नहीं किया सर? उसे क्यों नहीं पकड़ा जो तुम्हारे घर आया हुआ था? हो सकता है वो डकैत भी होता। बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? तो मैं और क्या कर रहा हूँ, मुझे जवाब दो ना। जब मैं पॉइंट से आगे चलूंगा नहीं तो मैं कैसे क्लियर? तो मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ ना यार। आप एक दफा सवाल कर ले, मैं क्लियर जवाब देता हूँ। जो सवाल मैंने कर लिया है, आप एक मिनट मुझे दें। छत से वो कहाँ पे गया ये बताओ? जब बीच वाली बात आप सुनेंगे आपको कैसे? छत से कहाँ पे गया ये बताओ, छत से कहाँ पे गया? मैं कह रहा हूँ अंदर से उन्होंने कुंडी कैसे खोली है, पीछे गए हैं दरवाजे से बंदा फरार, वापस आए हैं वॉशरूम में 2-3 मिनट या 4 मिनट लगाए, आके वापस कुंडी खोली है। जब कुंडी खोली है तो मैंने कहा आपने दरवाजे उस बंदे को छोड़ दिया, उसके पीछे नहीं गए? अल्लाह के बंदे, मैं घर में इंटर होता तो पकड़ता ना, कैसे पकड़ता? तो वो घर से निकल के बाहर ही कहीं गया होगा ना, कहाँ पे गया होगा? तुम्हें बात क्यों नहीं समझ आ रही? बाहर तुम अंदर आते हो फिर क्या होता है सर? मुझे मुझे समझ आ रही है, आपको नहीं आ रही? अंदर आते हो तो क्या हो? जब वो कुंडी खोलेंगे तो मैं अंदर आऊंगा, गेट तो तोड़ के मैं आ नहीं सकता था। कुंडी जब खोल दी, हाँ, तो अंदर गए तो क्या किया? जब मैं अंदर आया हूँ, मैंने उनको कहा है कि मैंने छोटे सुराख से देखा है कि बंदा फरार हुआ है। ठीक है, मान गई? उसने पहले नहीं मानी, फिर मान गई उसके। मैंने कहा मैंने खुद देखा है, आपने 5-6 मिनट बाद दरवाजा खोला है, कौन था? नहीं माने, हाथापाई हो गई। मैंने कहा एक दफ़ा आपको मौका दिया था कि आइंदा कोई बंदा घर में नहीं आना चाहिए, ठीक है, इज्जत इसी में है,
उसने कहा मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, पहले मैं छुप के करती थी, अब मैं सरेआम करूँगी, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे रोक लेना, तुम जाओ मार्केट, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम्हारी वहाँ पे डेड बॉडी ना मिली तो मेरा नाम बदल देना, जो मुझे मिलने आया था वही तुम्हें पूछ लेगा, ठीक है, मैंने तेरे साथ नहीं रहना। उसके बाद जब हाथापाई हुई तो मैंने उसको धक्का दिया, वो बेड पे गिर गई है, जब बेड पे गिरी है तो मेरे पास गर्म चादर पड़ी थी, मैंने उसके मुंह के ऊपर रखी है, वो खत्म हो गई है। मुलजिम की गुफ्तगू से आपने जाना कि इस दिलखराश कत्ल पर यह जालिम शख्स एक बार भी पछताता दिखाई नहीं दे रहा। मुलजिम की इस तमाम गुफ्तगू में किस हद तक सच्चाई है? जब टीम मुजरिम कौन ने यही सवाल एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद रजा तनवीर से किया तो उन्होंने तफ्तीश के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए क्या मौकिफ इख्तियार किया, जानिए। एक एंगल जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो मुलजिम कह रहे हैं वो ये कह रहा है कि उस दिन भी जब कत्ल हुआ है कोई किसी शख्स को उसने खुद अपनी आंखों से देखा, उसे देखते ही भाग गया या इसने मकतूला ने भगा दिया, उससे पहले भी वो कहता है कि इस तरह के मामला थे, कुछ मर्दों के साथ कोई ताल्लुकात थे और जिसका उसे पता चल गया, तो इसमें कोई सच्चाई है या ये बिल्कुल ही इसके फॉल्स? देखिए वो एलिगेशन है, इसके क्लेम्स तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसको इस एंगल से भी हम उसको देख रहे हैं और क्योंकि जो स्टोरीज़ हमारे सामने आई हैं इनकी लड़ाई झगड़े की या इससे पहले भी ऐसे उसके शक करने की वो हैं तो सही, ज़रूर मौजूद तो हैं, लेकिन अभी हम उसको एज एविडेंस या उसको देखना है किसी की मौजूदगी का होना वो अभी तक उसको फाइनलाइज कर, लेकिन उससे केस पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, केस से फर्क नहीं पड़ेगा, केस में तो मरकजी मुलजिम जो है वो यही है। ये सच है कि मकतूला अब लौट कर नहीं आएगी, लेकिन अगर हक और सच के तकाजे पूरे होंगे तो तभी इस परेशान हाल खानदान को किसी हद तक करार आएगा। इसी के साथ ही टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगेबान।